हेलो फ्रेंड्स, वीएनएस एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक जलपरी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं। हम बात करते हैं हमारी वीडियो के आइडल श्रीमती बुला चौधरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये विश्व की पहली तैराक महिला थी जिन्होंने बड़े से बड़े चैलेंज लिए और उन्हें पूरा भी किया। इनका जन्म 2 जनवरी 1970 को कोलकाता में हुआ। इनका पूरा नाम बुला चौधरी चक्रवर्ती है। इनका फेमस होने का कारण है इनकी तैराकी, क्योंकि समुद्र में तैरना कोई आसान काम नहीं है। अपनी जान को हथेली पर रख कर प्रत्येक लहरों का सामना करना पड़ता है और कभी समुद्री जीव से भी बचना पड़ता है। इनके लिए शब्द सागर से ली गई कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। मात्र 9 वर्ष की उम्र में बुला ने अपनी पहली सीढ़ी पार की राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप जीतकर। 9 वर्ष की उम्र में अपने आयु वर्ग के सभी प्रतियोगिता जीतकर 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। बुला देवी को इसीलिए जलपरी की उपाधि भी दी गई। उन्होंने जिब्राल्टर जल डमरू मध्य विश्व रिकॉर्ड सिर्फ 3 घंटे 35 मिनट में तैरकर बनाया। बुला ने 2002 में टेनलिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड भी हासिल किया। बुला चौधरी को वैसे तो कई अवार्ड मिले, लेकिन इनमें से कुछ खास अवार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 1990 में अर्जुन पुरस्कार मिला, उसी के साथ जलपरी की उपाधि भी दी गई। 2003 में ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे खास अवार्ड जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्पेन सन 2000 में दिया गया। इसके बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है। मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।